ऐसा लगता है कि आज से, जैसे उस दिन भी मैं आपको बता रही थी कि 2-3 साल से पहले हम लोग सिर्फ बात ही करते थे डिजिटल मार्केट की, बट इतना नॉलेज किसी को भी नहीं था. बट हाँ, ये एक दिमाग में था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट हम ये श्योर नहीं थे कि इतना अच्छा होने वाला है. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वेब सीरीज एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट. और आगे क्या सोचती हूँ मैं इसके बारे में, आई थिंक इट्स गोना बी नंबर वन बिकॉज आफ्टर सीक्रेट गेम्स एंड लव स्टोरीज, गंदी बात ऑफ ओल्ड बालाजी, आई थिंक आज के टाइम में सब लोग डिजिटल मार्केट देख रहे हैं. यूट्यूब, पहले यूट्यूब पे देखते थे, बट अभी नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम एंड देर आर मेनी थिंग्स नाउ आ चुकी हैं जो. तो मेरे ख्याल से आई थिंक डिजिटली मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है एंड एवरीबडी इज़ डूइंग दैट. सब बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स लाइक आई कैन से कि इट्स इक्वल बोथ मिक्सचर. जैसे अभी आपने सेक्रेट गेम्स की बात की तो काफी पॉपुलर भी हुआ, हिट भी हुआ और काफी बड़े स्टार्स जुड़े थे, राधिका आप जुड़ी थी उससे, राइट. लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जब कोई वेब सीरीज की बात कर रहे हैं तो यू नो एक लिमिटेशन क्रॉस हो जाता है एज टर्म्स डायलॉग डिलीवरी की बात कर रहे हैं या सीन्स की बात कर रहे हैं, तो वो आप क्या मानती हैं, वो एक लॉजिकल चीज है, इलॉजिकल है, क्या कहना है? नहीं, मैं उसको इलॉजिकल तो नहीं कहूंगी बिकॉज यहाँ पे कुछ भी लॉजिकल होता ही नहीं है. लॉजिक के साथ ही अगर कोई भी फिल्म मेकर कुछ भी बनाता है तो वो लॉजिक के साथ ही बनाता है. वो इतना डिफरेंस है वेब सीरीज में और मूवी में क्योंकि वहाँ पे सेंसर नहीं हो पाती है कुछ चीज़ें, एज हमारे इंडिया में खुल के सब हम बातें नहीं कर पाते हैं, लेकिन पता सबको होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब दिखा के हम सब लोगों को अवेयर भी करते हैं कि जो चीज़ें हमारी रोज़ की ज़िंदगी में होती हैं उन चीज़ों को लेके हम अवेयर करते हैं इनको. तो आई थिंक दिस इज़ द बिग एंड गुड प्लेटफॉर्म एंड या लॉजिकल ही बोलूँगी मैं इसको. वेब सीरीज की बात करूंगा तो क्या पहले टाइटल क्या है, क्या रोल प्ले कर रही हैं आपके अलावा विजय राज जी हैं या टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सिर्फ विजय राज जी नहीं है, काफ़ी सारे एक्टर हैं इसमें. जैसे 6 एपिसोड्स का है ये, तो इसमें सारे बड़े आर्टिस्ट हैं. जैसे आज मैंने प्रतिमा जी के साथ में किया है, पहले विजय जी के साथ में किया था. मैं मोना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मोना एंड द वेब सीरीज नेम इज़ मोना डार्लिंग. सॉरी, मोना डार्लिंग नहीं, मोना होम डिलीवरी. मैं उनको बोल रही थी कि मोना डार्लिंग, देन उनके सडनली एक दिमाग से है कि मोना होम डिलीवरी, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन. तो यस, दिस इज द ओनली कैरेक्टर आई एम प्लेइंग. और जो कैरेक्टर प्ले करने में वो बताइए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये. इसमें उसकी जर्नी को पूरा दिखाया गया है और अलग अलग कैरेक्टर के साथ उसको एस्टेब्लिश किया गया है. वो आगे जब रिलीज होगा आपको देखने के बाद पता चलेगा. आई थिंक नवंबर में इट्स गोना रिलीज. सो आई एम रियली एक्साइटेड. फिल्मों में काम कर चुके हैं आप, मतलब ग्रेट ग्रैंड मस्ती की पार्टनर, क्या कहना चाहेंगे फिल्म और वेब सीरीज मीडियम, क्या मानती है जो जो आपको यू नो फेम या रिकॉग्निशन जो फिल्म मीडियम में मिल सकता है आपको इस मीडियम में मिल सकता है? नहीं, मुझे आज के टाइम में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो फिल्मों में मिल सकता है आपको नेम, वो वेब सीरीज में नहीं मिल सकता है. एज आई टोल्ड यू कि 2-3 साल पहले तक हमें किसी को भी पता नहीं होता था, और अब अगर ये आया है, जब सैफ अली खान जी कर सकते हैं, राधिका आप्टे कर सकती है, आई मीन ऑल बिग स्टार्स दे आर डूइंग इट, तो इट मीन्स इट्स इक्वल. और जो चीज़ हम मूवी में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ 2 या 3 घंटे की होती है, और इसमें हम एपिसोडिक दिखाते हैं तो पूरी डिटेल बारीकी डायरेक्टर सब कुछ उसमें डाल देता है. तो यस, आई एम वर्किंग लाइक एक अभी फिल्म साइन की और जिसकी अभी शूटिंग भी करके आई हूँ मैं, बट उसको मैं अभी नहीं बताना चाह रही हूँ बिकॉज दे पीपल टोल्ड मी कि दिस नॉट द राइट टाइम. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर कॉन्फ्रेंस होगा, देन विल रिलीज इट.